नमस्कार दोस्तों, Realme ने लॉन्च कर दिया है Realme C3। Realme C3 दो वेरिएंट्स में अवेलेबल होंगे। आज हम इसके टॉप वेरिएंट को कंपेयर करेंगे Xiaomi Redmi 8 के साथ, क्योंकि दोनों फोन का प्राइस सेम है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो 8000 रुपए के बजट में आपको कौन सा फोन क्यों खरीदना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। Realme C3 में 6.52 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है और Redmi 8 में 6.22 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा। Realme C3 में 720x1600 पिक्सल्स का स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है और वही Redmi 8 में 720x1520 पिक्सल्स का स्क्रीन रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो Realme C3 में आप लोगों को थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा कंपेयर टू Redmi 8। प्रोसेसर की अगर बात करें तो Realme C3 में MediaTek Helio G70 प्रोसेसर दिया गया है और वही Redmi 8 में Qualcomm Snapdragon 439 प्रोसेसर दिया गया है। दोनों फोन के प्रोसेसर का स्पीड है 2 GHz, लेकिन MediaTek Helio G70 प्रोसेसर एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और इसका जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो Snapdragon 439 से आगे है। तो प्रोसेसर के मामले में मैं Realme C3 के प्रोसेसर को Redmi 8 के प्रोसेसर से आगे रखूंगा। दोनों फोन में ही आप लोगों को 4GB का रैम और 64GB का इंटरनेट स्टोरेज मिल जाएगा। रियर कैमरा के मामले में दोनों फोन में ही डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। Realme C3 में 12 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस मिल जाता है और वही Redmi 8 में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो रियर कैमरा के मामले में दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन सेम ही है, लेकिन कैमरा क्वालिटी के बारे में आप फोटो और वीडियो सैंपल्स देख के ही डिसाइड कर पाएंगे। सेल्फी कैमरा के मामले में Realme C3 में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और वही Redmi 8 में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आता है। तो सेल्फी कैमरा के मामले में Redmi 8 ही क्लियर विनर रहेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें तो Realme C3 में रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं आता है और वही Redmi 8 में आप लोगों को रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। बैटरी के मामले में दोनों फोन में ही 5000mAh की बैटरी दी गई है। तो इस कंपैरिजन के बाद यही कह सकते हैं कि बड़ी डिस्प्ले और बेटर प्रोसेसर के लिए आप Realme C3 के साथ जा सकते हैं और बेटर सेल्फी कैमरा और रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए आप Redmi 8 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका पसंद कौन सा होगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।